हेलो एवरीवन, आज हम मॉल रोड पर हैं और मेरे पीछे है शेर पंजाब, साथ में लिफ्ट से जो रोड आता है वो है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो मॉल रोड की खूबसूरती वो यही है कि इस मौसम में, इस महीने में बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, तो काफ़ी रश रहता है मॉल पे इन दिनों। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे आपको दिखाते हैं कि मॉल रोड पर आज कौन कौन यहाँ पे सैर कर रहा है। गैंडामल हेमराज से हम क्रॉस कर रहे हैं और अब हम बहुत जल्दी केटी थिएटर के पास पहुँच जाएंगे। इज़न्ट दिस ब्यूटीफुल, एंड ये है गेटी थिएटर। ये भी एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जहाँ पर स्टेज प्लेस बहुत वर्षों से हो रहे हैं। आज भी यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्लेस का मंचन किया जाता है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इसका भी एक अपना ही इतिहास है। और इसके नीचे है पुलिस रिपोर्टिंग रूम। तो ये है पुलिस रिपोर्टिंग रूम, पुलिस असिस्टेंस कभी कोई सहायता की ज़रूरत हो। और ये है शिमला का टाउन हॉल, देख सकते हैं यहाँ पे टूरिस्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं और अपनी यादों को कैमरे में कैद कर रहे हैं। तो ये जगह तो जनाब आप सबकी जानी पहचानी है, हाँ, क्योंकि आप भी शाम के समय यहाँ टहलने ज़रूर आते होंगे, हाँ, जब शिमला में थे या अभी भी जो शिमला में हैं। और कहते होंगे कि स्कैंडल पे मिलते हैं, स्कैंडल पॉइंट में मिलते हैं। तो आपको बताते हैं कि ये स्कैंडल पॉइंट है क्या। स्कैंडल पॉइंट का एक अपना ही इतिहास है, उसके बारे में बहुत लोगों को मालूम है क्या स्कैंडल हुआ था यहाँ पे। बहरहाल आज की डेट में हम इसको एक मीटिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, स्कैंडल पॉइंट। किसी को मिलना होता है, कहाँ मिलेंगे, स्कैंडल पॉइंट पे मिलते हैं। सो ये जहाँ पे हम देख रहे हैं पुलिस अपनी वर्दी में तैनात है। सो दिस इज द स्कैंडल पॉइंट। और इसके साथ यहाँ से रिचपे में गया रास्ता और लाला लाजपत राय जी का स्टैचू साथ में है। ऊपर का रोड है जो ये गया कालीवाड़ी टेम्पल की ओर। और हम अब जा रहे हैं डीसी ऑफिस की तरफ। तो ये हुई वापसी मॉल रोड से डीसी ऑफिस की ओर। तो ये देखिए, अब थोड़ी देर में आने वाला है इंडियन कॉफ़ी हाउस। तो ये भी बहुत लोगों का एक पसंदीदा स्पॉट है, जहाँ पर शाम को कॉफ़ी के लिए मिला करते थे सब। शाम को क्या, दिन के समय भी बहुत लोग पहले कॉफ़ी पीते हैं यहाँ पर, फिर आगे मॉल रोड की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंडियन कॉफ़ी हाउस, यहाँ पर आपको याद होगा जानकी दास की बिल्डिंग, जहाँ पर हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म मिला करता था। और यहाँ पर एक डेविकोज का रेस्टोरेंट होता था, जहाँ पर लाइव ऑर्केस्ट्रा प्ले किया जाता था। सो दिस इज़ द फेमस इंडियन कॉफ़ी हाउस। यहाँ का वड़ा सांभर, साउथ इंडियन डिशेस और कॉफ़ी का टेस्ट अभी तक सभी को याद होगा और वैसा कहीं भी नहीं मिल पाता। यह है BSNL की बिल्डिंग और यह हमारा शेल्टर हाउस और इसके साथ ही सिटी पॉइंट। आप में से बहुत से लोगों को याद होगा यहाँ पे एक स्टिक जॉ मिला करती थी जो अब नहीं मिलती। तो ये हैं कुछ बचपन की यादें। तो ये थी सैर मॉल रोड की। अपने कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें कि मॉल रोड से जब हम गुजरे आज, तो आपकी क्या क्या मेमोरीज हैं जो ताज़ा हुई, किन शॉप्स में आप भी जाया करते थे, क्या क्या ख़रीदा करते थे, और बचपन के दिन, यूथ के दिन, या फिर जब आप बड़े भी हो गए तो कहाँ कहाँ जाते थे, कॉफ़ी हाउस जाते थे या फिर मॉल पे स्कैंडल पॉइंट पे मिलते थे, क्या करते थे आप जब मॉल रोड पे आते थे। डू शेयर, लेट्स शेयर ईच अदर्स फीलिंग्स एंड मेमोरीज इन दिस ग्रुप। हैव अ नाइस टाइम, बाय।